कमलनाथ जी की सरकार अल्पमत में है। कांग्रेस के ही विधायकों ने कमलनाथ जी के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके द्वारा किए गए वादे थे वो जनता के पूरे नहीं हुए, उसके खिलाफ कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की है और अब कमलनाथ जी की सरकार अल्पमत में है। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि सारी दुनिया जानती है कि ज्योतिराज सिंधिया जी कांग्रेस के नेता थे। सारी दुनिया जानती है कि सबसे ज़्यादा विधानसभा चुनाव में यदि सभा कांग्रेस की ओर से किसी नेता ने बड़ी बड़ी सभा की तो वो सिंधिया जी ने की। सब जानते हैं कि सिंधिया जी का इस सरकार बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन सिंधिया जी को कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी ने दूध में से मक्खी की सरकार निकाल के फेंक दिया। अब यदि उसके बाद भी अगर सरकार ठीक काम कर रही होती तो शायद मुझे नहीं लगता कि सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ते, पर जो वादे जनता से किए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा कि वादे पूरे करना चाहिए, मैं सड़क पर उतर जाऊँगा, तो कमलनाथ जी इनका सड़क पर उतर जाओ। तो सम्मान का तो एक छोटा सा हमारे घर का चपरासी होता, वो भी आत्मसम्मान का भूखा होता है। अब इतने बड़े नेता का यदि अपमान करेंगे तो परिणाम ऐसा ही होगा जैसा आया। कमलनाथ जी ने CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, क्या हुआ? कमलनाथ जी की सरकार चली गई। दिल्ली भी इस प्रकार के अगर काम करेगी तो जनता तो जनता है, कभी भी जवाब देती है। और इसलिए कानून सम्मत, विधि सम्मत, संविधान को ध्यान में रख के सरकार चलाना चाहिए। सिर्फ अपनी तुष्टिकरण की नीति और वोट की राजनीति के आधार पर जो भी सरकार चलाएंगे उनकी दुर्दशा कमलनाथ जी जैसी होगी।